सोलन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत दर्ज करवाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारियों ने अपने अपने वार्डों में ड्यूटी संभालनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने सोलन के वार्ड नंबर 4 में प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है। उन्होंने इस वार्ड में घर घर जाकर इस वार्ड से प्रत्याशी संगीता ठाकुर के लिए वोट मांगे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मात्र जुमलों की सरकार है और जमीनी स्तर पर इसने कुछ नहीं किया। लोग परिवर्तन चाहते हैं, चाहे केंद्र की आपकी मोदी सरकार हो, चाहे वर्तमान की प्रदेश की हमारी जयराम सरकार हो, हर तरह से जो जुमलाबाजी गत इन वर्षों में देखने की आई है, एक माध्यम होगा जनता जनार्दन के सामने कि वो अपना मैंडेट, अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का, प्रदेश का जो विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुआ है। तो आज आपने कहां कहां का दौरा किया? वार्ड नंबर 4 जो चंबा घाट है, जहां से हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी संगीता ठाकुर जी है, वहां पर हमने चुनाव प्रचार किया है और हमें पूरी आशा है कि सोलन नगर निगम में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त